हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांशन शिवन्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज के जो हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो बहुत दिन बाद हो रही है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि शिवांश के पापा की चल रही थी काफ़ी टाइम से तबीयत खराब। और तबीयत खराब क्या चल रही थी उनका, एक दिन अचानक से रात को हुआ पेट दर्द। रात के 1 बजे की बात है, एकदम से उनके पेट दर्द हुआ और इतना तेज पेट दर्द था वो कि बर्दाश्त से बाहर था, बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे थे वो। तो उनको इमरजेंसी में हमको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनको इमरजेंसी में उनका चेकअप वेकअप करवाया हमने, जो भी था वहाँ पे। उनको पेन किलर दिए गए जिससे उनके दर्द में थोड़ा आराम मिला, लेकिन अगले दिन डॉक्टर ने बोला इनका कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड। तो हम कराने गए अल्ट्रासाउंड, तो हमने अल्ट्रासाउंड करा के हम डॉक्टर को चेक कराने गए तो उसमें उनके निकला कि किडनी में है स्टोन जो कि 8 mm की है। और ये सब देख के मेरा दिमाग एकदम सन्न हो चुका था, दिमाग एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुका था कि ये क्या क्या हो गया एकदम से इनके साथ। मतलब आप ये लगा लीजिए हमको 10-11 साल हो चुके हैं, इस बीच मैंने उनको कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने उनको ऐसी हालत में देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें एडमिट होते हुए देखा है हॉस्पिटल में। और ये सब देख के मुझे इतना दुख हो रहा था, ऐसे लग रहा था मेरी दुनिया हिल गई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। रात को हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जो उनके इस बीच जो उनका दर्द रहा, जो उन पर बीती है, बहुत ख़तरनाक था वो, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। सॉरी, तो उनको कुछ हो जाए ना तो बहुत अजीब सा हो जाता है। मैं नहीं चाहती, मैं उनको ऐसी हालत में नहीं दे सकती और ना ही कभी देखना चाहूंगी। मुझको कुछ हो जाए, बच्चों को, उनको या घर में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो है तो मेरी लाइफ में सब कुछ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं कुछ वीडियो बना पाई हूँ, बहुत कम वीडियो बनी है। जो भी बनी है मैं आपको दिखाऊंगी हॉस्पिटल में, जो थोड़ी बहुत इमरजेंसी रूम में जो मैं बना पाई हूँ वीडियो, बस मैं वो आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं भगवान से प्रे करती हूँ कभी भी उनको कुछ ना हो, बच्चों को कुछ ना हो, घर में किसी को कुछ ना हो। मैं यही प्रे करूँगी भगवान से, यही दुआ मांगूँगी कि किसी को कुछ ना हो। ऐसी हालत में मैं किसी को नहीं देख सकती और उनको ऐसी हालत में देख के मेरी जान ही निकल गई थी। तो गाइस आप देखिए वीडियो, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो गया भैया। रात को तो हालत खराब हो गई थी, ढाई 1 बजे उठा था मैं और आपके चाप से दर्द हो रहा था। मैंने देख लिया था आपको, खतरनाक हो गया था हिसाब से। मैंने देख लिया था आपको, देखा था तभी मैं उठी थी। मुझे लगा तुमने देखा, तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें उठाया नहीं। नहीं नहीं, मैंने देख लिया था तभी मैं उठी थी। बाथरूम गया, बाथरूम करके आया, फिर उसके बाद दर्द होने लग गया बहुत ज्यादा। आप देखते हैं अल्ट्रासाउंड करते क्या निकलता है। और अभी हम कहाँ हैं, इमरजेंसी में। अभी तो इमरजेंसी में हम रात से आ रखे हम लोग यहाँ पे, ये है इमरजेंसी। एक एनुअल लगा इनके हाथ में, फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ।
अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, बस अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक हो जाओगे, फिर चलेंगे घर। ठीक है। तो गाइस अभी कराने आए हैं अल्ट्रासाउंड। वो देखो सामने अल्ट्रासाउंड रूम, अल्ट्रासाउंड टू। तो गाइस अपनी तो वार्ड लगी पड़ी है, कल रात से अपनी वार्ड लगी पड़ी है। कैसा हो रहा है दर्द में आराम? एक एक घंटा है सलवा, जैसे एक एक महीना होगा। और अभी तक इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, बस पानी पानी पी रही है, बॉटल खाली कर दी है क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ खाते नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चाय भी नहीं पिए, बस पानी पानी। बस गाइस चलते हैं अंदर, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो गाइस अल्ट्रासाउंड हो गया है, रिपोर्ट भी मिल गई है, और अब हम आए हैं यहाँ ओपीडी में, दिखाते हैं आपको ओपीडी। अक्के भी आ रखा है, वो आगे जा रही है दीदी, और ये है हमारा हॉस्पिटल। तो गाइस ये है इनकी रिपोर्ट, और ये है किडनी में स्टोन है 8 mm, और ये है इनका अल्ट्रासाउंड। Thank you.